Hello, students. Very warm welcome to all of you in this video of MISO study video classes. And in this video, as the heading is mentioned. So, today we are going to discuss few good questions based upon the concept of your neat entrance exam, that is, medical entrance exam. Now, students, before coming on to the discussion of the questions, I would like to mention few very important things. भाई ऐसा है वेन यू आर प्रिपेयरिंग अबाउट योर एग्जाम सो इन दिस नीट इंट्रेंस एग्जाम वॉट एग्जैक्टली द रियलिटी द रियलिटी इज यू आर गेटिंग हंड्रेड एट्टी क्वेश्चन इन हंड्रेड एट्टी मिनट्स पहली चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है ठीक है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एक अलग बात है एंड द टाइम मैनेजमेंट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फाइन सो वी डिसाइडेड दैट फ्राम दिस इनिशियल स्टेज वी विल स्ट्रिक्टली फॉलो ये जो टाइम का गाइडलाइन है इसे बहुत हम स्ट्रिक्ट फॉलो करेंगे ठीक है सो दैट एग्जामिनेशन हॉल में हम आसान आसानी से ये सारे क्वेश्चन कर सकें तो फिजिक्स के फोर्टी फाइव केमिस्ट्री फोर्टी फाइव जोलॉजी बॉटनी फोर्टी फाइव ठीक आपको टाइम मिल रहा है एक घंटे अस्सी मिनट तीन घंटे का ठीक है एक सौ अस्सी मिनट का तो 180 मिनट में अगर आप ऑन एन एवरेज देखो तो हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक मिनट मिलेगा आपको आपको कुछ सिग्नेचर वगैरह भी करने होंगे ठीक है और ये स्ट्रेटजी मैं आपको लगभग लगभग आने वाले दो तीन वीडियोस में बताऊंगा जब तक आप इस बात को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो क्योंकि खाली मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूं वो कोई मीनिंग सॉल्व नहीं करेगा ओके क्वेश्चन मैं इलेबरेट करूंगा लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप धीरे धीरे टाइम फ्रेम टाइम लिमिट को भी अब, मतलब आदत डालना शुरू करें तो जुलॉजी बॉटनी आपसे आसानी से हो गई मान लीजिए 40 40 मिनट में आपने वो क्वेश्चन कर दिए 45 ठीक तो अब केमिस्ट्री बचा चलिए उसको भी हमने 40 मिनट में कर दिया 45 क्वेश्चंस सो so, 120 मिनट्स हमने यूज़ कर लिए ठीक है और इतने मिनट हमें यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन लॉन्ग रहते हैं जोलॉजी बॉटनी में भी जो कुछ क्वेश्चन हैं यू हैव टू थिंक आपको याद करना पड़ता है कुछ सोचना पड़ता है ठीक है तो अब इफेक्टिवली इससे कम टाइम हम नहीं डिवोट कर सकते इन 120 ट्वेंटी क्वेश्चन को ठीक तो अब मेरे पास में ये आ गए 40 90 और ये इस तरीके से क्वेश्चन मेरे निकल गए इतने अब मुझे मिलते हैं 45 फाइव क्वेश्चन और टाइम मेरे पास बचता है कितना जस्ट 60 मिनट्स का ठीक है ना क्योंकि एक घंटा 20 मिनट तो हमारा निकल गया 120 मिनट जो ये इस तरीके से हुए तो अब ये 60 क्वेश्चंस मुझे 45 क्वेश्चन जो है 60 मिनट्स में करने हैं ठीक है चलिए मैं कहता हूं मैं थोड़ा और प्रैक्टिस कर लूंगा जोलॉजी बॉटनी में केमिस्ट्री में और दो चार मिनट का टाइम वो कर लेंगे हम तो भी फिजिक्स में आपको अराउंड 35 क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे करेक्ट इनकरेक्ट एक भी मत करिए दस छोड़ दीजिए बट थर्टी फाइव अगर आपको करने हैं सिक्सटी मिनट्स में तो भी आपको दो मिनट से कम का टाइम एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है और उसमें कुछ क्वेश्चंस छोटे होंगे लेकिन कुछ क्वेश्चंस रियली बड़े होते हैं जो लोग एक दो बार एग्जाम दे चुके हैं उन्होंने देखा होगा तो हम ये प्रैक्टिस अभी से शुरू करेंगे कि फॉर वन सिंगल क्वेश्चन हम दो मिनट से ज्यादा का टाइम खराब ना करें क्योंकि अगर फिजिक्स के आपने पैंतीस क्वेश्चन में सत्तर मिनट खराब कर लिए अपने तो फिर बाकी मुश्किल आएगी हमने थर्टी फाइव किए सिक्सटी मिनट्स में कर लिए हमने तो अब दस क्वेश्चन में ना भी करूं तो भी थर्टी फाइव अगर मैंने करेक्ट किए चलिए एक दो इनकरेक्ट भी हो गए तो भी मैं एक अच्छे मार्क्स अच्छे स्कोरिंग पे आ जाऊंगा ठीक तो हमें पॉजिटिव एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी के साथ में आगे बढ़ना है ओके अब इस ज्ञान के बाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन अप्रोच क्या रहेगा यहां पे क्वेश्चन आएगा मैं इलेबरेट कर दूंगा देन चूंकि मैं राइट right हैंड से लिख रहा हूं तो फिर मैं इधर टर्न करूंगा और इस जगह आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझाऊंगा उस टाइम पे कैमरा अगर इधर मूव करता है जो हमारे टेक्नीशियन है वो मूव करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी देर आपको क्वेश्चन का कुछ पार्ट ना दिखे बट उससे पहले मैं क्वेश्चन आपको एलिबरेट कर दूंगा ठीक है तो मैंने इसमें क्वेश्चन लगभग कोशिश करी है बिल्कुल उसी पैटर्न से पिक करने की जैसे नीट के एग्जाम में आते हैं कुछ थियोटिकल कॉन्सेप्चुअल एंड फिर ऑब्वियसली कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन सो हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन ठीक मैं फिर से बोल रहा हूं मैं टाइम लिमिट को कैसे फॉलो करना है वो आपको सिखाने की कोशिश करूंगा ठीक है क्योंकि ये 45 क्वेश्चन अगर किसी बच्चे को बोल दिया जाए कि बेटा तुम्हारे पास में दो घंटे का टाइम है तो लगभग लगभग सारे लोग 40 क्वेश्चन कर देंगे गलती आप कब करना शुरू करते हो जब आप टाइम लिमिट फॉलो करते हो टाइम आप घड़ी में देखते हो अरे कम होता जा रहा है आप गलतियां करते हो क्वेश्चन प्रेशर में आके समझ नहीं पाते हो तब प्रॉब्लम होती है। वो चीज़ें हम इसी वक्त से हटाना शुरू करेंगे अब आने वाले थोड़े टाइम तक जो भी टाइम आप इस वीडियो को देखने में वो कर रहे हो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस रखिएगा और थोड़ा फास्ट मूव करने की कोशिश करेंगे ये प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे अब चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इफ द पार्टिकल सबसे पहली बात समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है और इसमें कहा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा हमेशा ध्यान रखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकती है ठीक तो मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट का वो डिस्टेंस के बराबर होगा ठीक कब आइए पहला ऑप्शन एनालाइज करते हैं ऐसे क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल आए ना आप क्वेश्चन समझने के बाद सीधा प्रोसेस पे आइए मतलब जो ऑप्शन है उनको एनालाइज करना शुरू करिए मूव्स विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन अलॉन्ग एनी पाथ मूव्स विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन अलॉन्ग एनी पाथ नहीं एनी पाथ चला गया तो फिर ये जो कंडीशन है ना वो इक्वल नहीं होगी और एनी पाथ के उस पे गया तो हमेशा ध्यान रखिए डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता ठीक मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इसका तो इस बात से कोई लेना ही देना नहीं है कि भाई डिस्प्लेसमेंट और इसका ये बराबर होगा मूव्स इन सेम डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी और विद वेरिएबल वेलोसिटी देखिए पहले वाले में सब कुछ ठीक था बस यही एक कमी थी कि डायरेक्शन अलग अलग थी भाई डिस्प्लेसमेंट अगर हम लेते हैं मान लीजिए ये दो पॉइंट हैं ए और बी ठीक तो डिस्टेंस क्या हुई कि भाई मैं इधर चला गया फिर इधर घूम फिर के यहाँ से होते हुए मैं ऐसे वापस आया ये हो गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट हुआ हमने स्केल पकड़ा और इसको मैच कर दिया उठा के ये डिस्प्लेसमेंट हो गया तो अब समझिए इन सेम डायरेक्शन तो इधर ही चल रहा हूँ मैं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर आएंगे ठीक मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कुछ नहीं फुलफिल हो रहा तो ये एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो बेसिक आइडिया हम लोगों ने अपनी वीडियोज में डिस्कस किया कि भाई क्या रिलेशन है कैसे एसोसिएटेड है तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि हाँ भाई देखिए बी और सी बी और डी तो देखने से ही लग रहे हैं कि ये इनका तो कोई छू ही नहीं सकता ठीक है ना ये एलिमिनेशन प्रोसेस सीखिए प्लीज इस इलिमिनेशन प्रोसेस को सीखने से कम से कम आपको फाइव टू सेवन क्वेश्चंस का फायदा मिलेगा हर चीज आप ध्यान नहीं रख सकते लेकिन अपनी समझ जो आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल ट्राई टू एलिमिनेट व्हिच इज आउटलैंड टाइप ऑफ ऑप्शन तो ये बी और डी तो कोई मतलब दूर दूर तक लेना ही देना नहीं है ए और सी का जो है वो मैच करता है ठीक मगर यहां पे आप देखिए ना अलॉन्ग एनी पाथ की बात करी है तो फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं हो सकते हैं सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक तो इस तरीके से आप मन ही मन अगर एनालाइज करना शुरू करोगे और ये प्रोसेस हम सीखेंगे अब आप सोचो कि अगर इस तरीके से चार चार पाँच पाँच मिनट का टाइम आप एग्जामिनेशन हॉल में दे रहे हो तो फोर्टी फाइव क्वेश्चन पढ़ने के लिए ही आपको कम से कम सेवेंटी मिनट्स चाहिए सो so प्लीज मैक्सिमम स्टूडेंट इसीलिए जो है सक्सेस थोड़ा करने में उनको टाइम लग जाता है टाइम मैनेजमेंट करेक्ट अप्रोच इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट आइए भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो पे द पोजिशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज गि बाई दिस इक्विशन मैं इसमें एक रेड कलर का वो है ये देखिए ये दिखाई दे रहा होगा आपको ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन acceleration एट टाइम टी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0 वेयर टी इज इक्वल टू अच्छा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है और acceleration किसी टाइम पे जीरो हो जा रहा है आपको वो टाइम बताना है अब क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन है आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते आपको करनी ही पड़ेगी अब आपको चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में टाइम तो जो इससे पहले क्वेश्चन हमने किया अगर आपने उसमें अपना एक से डेढ़ मिनट सेव कर लिया तो आप ऐसे क्वेश्चन में यू कैन यूज़ दैट वन टू एन हाफ मिनट ठीक आइए जरा करते हैं इसको हम तो भाई अगर हम रफ पे बहुत कुछ ना लिखें सिर्फ इसी इक्वेशन की बात करें तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि चलिए मैं इधर थोड़ा घूमना पड़ेगा मुझे क्योंकि थोड़ा सा लिखने में मुझे दिक्कत होगी ऐसे इसको मैं अगर ये कहूँ तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ v इज़ इक्वल टू एनस बी टी स्क् कुछ नहीं किया मैंने डिफ्रेंशियट किया फर्स्ट ऑर्डर और वेलोसिटी मुझे मिल गई अच्छा अब जरा इससे एक्सलरेशन निकाल लेते हैं तो भाई एक्सलरेशन हो गया टू ए माइनस सिक्स बी टी अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा कब जब टी होगा किसके बराबर आइए तो अब इस इक्वेशन में देखिए हमने सिर्फ दो या तीन स्टेप हैं लेकिन वो करने पड़ेंगे हमें तो जीरो इज इक्वल टू जीरो हमें मिलेगा टू ए इज इक्वल टू सिक्स बी टी तो बच्चों यहां से अगर मैं कहूं तो मुझे मिलेगा टी इज इक्वल टू ए अपॉन थ्री बी ठीक आइए ऑप्शन देखते हैं तो हमें तुरंत दिख गया कि भाई हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन अब जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे आप ये कह ही नहीं सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो ये देखिए टी बराबर ए अपॉन थ्री भी आया है हमारा उसके हिसाब से हमारा सी ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया ठीक लेकिन इस क्वेश्चन में जो आपको टाइम लगा दो ढाई मिनट का अब उसे हमें लगाना पड़ेगा और वो टाइम हमें कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा चुराना पड़ेगा ऐसे कह सकते हैं समय का चोर देखिए एग्जाम की प्रिपरेशन एक स्टूडेंट को क्या क्या नहीं बना देती है ठीक है टाइम का चोर किस चीज की चोरी समय की चोरी <laughs> चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग द वेलासिटी अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज थर्टी मीटर पर सेकेंड इन टू सेकेंड अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है वो दो सेकंड में तीस मीटर पर सेकेंड हो जाती है एंड सिक्सटी मीटर पर सेकेंड इन दिस टाइम सो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी ठीक है आइए द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेरेशन इज थर्टी मीटर पर सेकेंड इन टू सेकेंड्स एंड सिक्सटी मीटर पर सेकेंड एक्चुअली देयर इज वन स्लाइट मिसमैच ओवर हियर फाइन तो उस मिसमैच को हम लोग लेते हैं इन जीरो सेकेंड्स सो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी तो कहीं ना कहीं आप देखो तो रिटार्डेशन की प्रोसेस हो रही है तो इस क्वेश्चन के लिए मैं सिंपल सा जो फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों मैं लिखूंगा थर्टी कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं हम लोग अब यहां तो मैं आपको समझा दूंगा कि भाई एस इजल प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लोग डाल रहे हैं लेकिन वहां पे आपको बहुत जल्दी जल्दी ये फॉर्मूले डालने होंगे तो अभी आप प्रैक्टिस जब तक फास्ट नहीं करेंगे So it's not नॉट गोइंग टू बी for फॉर यू टू रिकॉल things इन एग्जामिनेशन हॉल क्विकली ठीक है तो uh, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला हम लोग डालें तो s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ठीक भाई वही तीन इक्वेशन यूज करनी v बराबर यू प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वल प्लस ट्वाइस एस उन इक्वेशंस को यूज करके ही मैं इसको ले रहा हूँ तो a और इसका टाइम कितना दिया हुआ है दो सेकंड तो डायरेक्टली रख लेते हैं और ये दूसरा है सिक्सटी इज इक्वल टू यू प्लस ए फोर ठीक है एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग वेलासिटी अकॉर्ड बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 30 मीटर पर सेकेंड इन टू सेकेंड एंड 60 मीटर पर सेकेंड इन ओके कुछ छुप जा रहा है यहाँ पे दरअसल फोर सेकंड है थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है ये इट्स सम हाउ हेडिंग तो ये है चार सेकेंड में तो भाई दो सेकेंड में तीस मीटर पर सेकेंड तो चार सेकेंड में साठ मीटर पर सेकेंड का लिए कितना वो लगेगा एंड सिक्सटी मीटर पर सेकेंड इन फोर सेकेंड तो आपका इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या था तो हमने ये दो इक्वेशन आपको साफ साफ दिख रही हैं ठीक अब यहाँ से बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं या तो आप कहो तो मैं इसको पूरा सॉल्व करूँ ठीक है U की वैल्यू एक से निकाल के दूसरे में रखू मेरे पास दो इक्वेशन है दो अननोन है इजिली सॉल्व हो जाना है इसको फाइन तो मैं ये कह देता हूं और आप लोगों के लिए वो बस एक लाइन का काम है ऑन सॉल्विंग जो नॉट रिक्वायर्ड स्टेप्स है ना मैं उन्हें थोड़ा सा जानबूझ के अलग हटाऊंगा जिससे आपकी भी हैबिट पड़े थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करने की एक्चुअली मेडिकल लाइन मतलब जो मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे उनका जनरली एक एक्सक्यूज होता है सर मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है ठीक है मान लिया आपका सब्जेक्ट नहीं है फिजिक्स तो आपको करनी है आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं फिजिक्स नहीं करूँगा ठीक आप डॉक्टर बनोगे या नहीं बनोगे ये फिजिक्स डिसाइड करेगी नंबर एक नंबर दो आप देखो बच्चे कितने बैठ रहे हैं और सीट्स कितनी हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे डॉक्टर बनना है ऐसा सोच के मैथ को भी सीखते हैं तो भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यहाँ आपकी टक्कर हर उस बच्चे के साथ है जो ऑनेस्टली हार्ड वर्किंग है ठीक है तो आप ये एक्सक्यूज दे के बच नहीं सकते कि भाई मैथमेटिक्स तो मेरा सब्जेक्ट नहीं तो मैं क्यों कैलकुलेशन करूं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन सॉल्विंग वी गेट U इज इक्वल टू जीरो फाइन तो उस तरीके से मुझे साफ दिख रहा है कि ए जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है ओके okay? ये वाला चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन इसके बाद जो मैंने रखा है वो बहुत सोच समझ के रखा है मैं आपको ना उस क्वेश्चन के थ्रू कुछ समझाना चाहता हूं अप्रोच में ये आया क्वेश्चन मेरा पार्टिकल इज मूविंग एक चीज बच्चों और हैबिट हमें डेवलप करनी होगी क्वेश्चन को अगर मैं कई बार पढ़ के भी समझ नहीं पा रहा हूँ तो फिर प्रॉब्लम है मेरी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए मेरा हार्डवर्क ऐसा होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन को और ये जो कुछ एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं वो इसी पॉइंट को ध्यान में रख के कर रहे हैं कि क्वेश्चन को हम ज़्यादा से ज़्यादा दो बार में पढ़ के समझ जाएँ कि क्या पूछा गया और कहाँ हमें जाना है फाइन जस्ट लाइक अ कमांडो मूव टॉप जंप तो प्रोसेस तुरंत होनी चाहिए पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस हुज इंस्टेंटेनियस स्पीड इज गिवन बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू वन जीरो एट माइनस नाइन ए स्क्वायर ठीक है इसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती उसको डिफरेंशिएट करके इन्होंने वेलोसिटी निकाल ली है द एक्सेलरेशन वेलोसिटी गिवन है एक्सेलरेशन निकालना है इसके दो तरीके हैं एक तो जनरल अप्रोच जो आप लोग करते हो ठीक है ना कि v स्क्वायर बराबर इतना देखिए मैं दोनों अप्रोच आपको बता देता हूं जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो मैं आपको शॉर्टकट भी अब हर क्वेश्चन में जहां जहां पॉसिबल हो, तो हो गया बच्चों की हम कहें वी इज इक्वल टू वन जीरो माइनस नाइन एक्स स्क्वायर होल टू दावर वन बाई टू नो प्रॉब्लम चलिए भाई अब जरा डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे क्या करना है डीवी बाई डी टी की बात करनी टी तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है तो मैं अब क्या करूंगा डीवी अपॉन डीएक्स अपॉन डी टी करूंगा ठीक फिर मैं इसको चेंज करूंगा एंड देन डिफरेंशिएट करके मैं आंसर निकालूंगा ये तो हुई एक अप्रोच जो नॉर्मली हम लोग करते हैं लॉन्ग अप्रोच आइए मैं आपको एक शॉर्ट अप्रोच सिखाता हूं ठीक है ये जो इक्वेशन लिखी है ना इसको मैं यहां लिख रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू वन जीरो एट माइनस नाइन एक्स स्क्वायर ठीक बिना कुछ सोचे अपन लोग इसको बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ठीक है एक जो प्रोसेस है आप लोग करते हो मैंने अभी बताई लंबी प्रोसेस है कई स्टेप्स आएंगे यहां हम लोग क्या कर सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको ये सब लिखना नहीं है ये तो मैं आपके समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं आइए टू वी ओके डी वी अपॉन डी एक्स अच्छा इज इक्वल टू भाई वन जीरो एट क्या देगा आपको वन जीरो एट दे देगा जीरो कॉन्स्टेंट है माइनस अट्ठारह एक्स ठीक कोई दिक्कत नहीं एक्चुअली क्या क्या था टू वी डी वी इज इक्वल टू जीरो माइनस नाइन टू एन एक्स डी एक्स डी एक्स को हम ले आए नीचे, है आइए ये तो मेरे लिए बेकार हो गया तो यहां से मैं लिख देता हूं वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों माइनस नाइन एक्स ठीक है क्या ये एक्सलरेशन नहीं है क्या ये एक्सेलरेशन नहीं है मैंने वीडियोस में इस रिज़ल्ट को डिस्कस किया हुआ है और अभी जहाँ पे मैंने छोड़ा था वो यही रिजल्ट था तो बिना कुछ करे देखिए अगले ही स्टेप में अपने आप मेरा हाथ लिखेगा माइनस नाइन एक्स पलटे हम तो हमें तुरंत दिखाई पड़ गया ओहो नाइन एक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर अब आप अगर ध्यान से देखो तो जब मैंने ये डिस्कस किए हैं वीडियोस में मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूं कीप रिवाइजिंग वहां मैंने ये चीज़ें एलिब्रेट कर रखी हैं अगर वो स्टेप आपको ध्यान है तो यहां से कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं आप इसको देखते बोला गए ख़त्म हो गया ना आ गया आंसर तो सोचिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका एक मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा और वो एक मिनट आप किसी लॉन्ग क्वेश्चन में ले जा सकते हैं ठीक ये सारी टेक्निक्स हमें सीखनी ही चाहिए अदरवाइज तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है ही है चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और कुछ क्वेश्चंस में मैं जानबूझ के थोड़े स्टेप्स जंप करूँगा ठीक है अभी तो मैंने यहाँ आपको खूब अच्छे से बता दिया कि भाई वी डी वी डी एक्स एक्सेलरेशन है कई सारे बच्चे जिन्होंने इस वीडियो को देखा नहीं होगा या रिवाइज़ नहीं किया होगा वो मुझे पता है थोड़ा सोच रहे होंगे ठीक है ना बट प्लीज आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे अब बॉल इज़ रिलीज from द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ द हाइट एच चलिए मान लीजिए ये बॉल होल्डर है यहाँ एच हाइट पे मैं इसको रिलीज कर देता हूँ ठीक है एक छोटी सी चौक लेके मैं आपको दिखा देता हूँ अभी शुरुआती दिन है तो थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा ये लिया मैंने और ये ड्रॉप कर दिया ठीक इट टेक्स टाइम टी टू रीच द ग्राउंड ग्राउंड तक ये टी टाइम तक गई ठीक है वॉट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल फ्रॉम ग्राउंड आफ्टर टाइम टी बाई थ्री मतलब

केवल हाफ जी टी स्क्वायर रिक्वायर्ड है तो आप में से कुछ लोग कहेंगे सर वो यू टी कहाँ गया अरे देखिए ना रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर रिलीज का मतलब क्या है जानते हैं ड्रॉप किया गया ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी तो लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं है अब आप इस टी की जगह क्या रख दीजिए क्वेश्चन अपने आप में ही क्लियर है और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के सारे क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं आपको फील होगा कि यार कई क्वेश्चन में मुझे बहुत कैलकुलेशन करनी बट नॉट लाइक दैट अप्रोच अलग है जेई मेंस की अप्रोच अलग है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की अप्रोच अलग है तो अब मुझे ये वाला टाइम इसमें रख देना है ठीक और सॉल्व कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है मुझे आप देखो यह कह रहा है टी टाइम तो टी टाइम यानी कि मैं उस टाइम के अगेंस्ट में एच निकाल लूंगा और एक बार इक्वेशन में लिखूंगा जब मैं टी की जगह कैपिटल टी रखूंगा इक्वेशन नंबर वन दूसरी बार मैं इक्वेशन लिखूंगा एच प्राइम के लिए मान लीजिए तो मैं लिखूंगा हाफ जी टी बाई थ्री का स्क्वायर दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा एट एच अपॉन नाइन कर देता हूं क्योंकि तो कुछ बच्चों को लगेगा अरे खाली बताने से तो कुछ होता नहीं है मैं लिख दे रहा हूं डोंट वरी पहली बार में एच आया बच्चों हाफ जी टी प्रॉब्लम मान लीजिए इक्वेशन नंबर सॉरी वन है दूसरी बार में ये एच प्राइम आ गया तो ये एच प्राइम आएगा भाई हाफ जी टी स्क्वायर बाई थ्री थ्री चा नाइन बस इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है तो एच माइनस एच प्राइम आप कर लीजिए और ये सॉल्व कर लीजिए आपको ये आंसर मिल जाएगा ठीक आप में से कई सारे लोगों को अब मतलब रियलाइज़ हो रहा होगा कि मैंने वो जो तीन चार फार्मूले पढ़े थे बड़े सिंपल लग रहे थे लेकिन आज जब उनको हम लगा रहे हैं क्वेश्चंस में तो हमें रियली really मुश्किल हो रही है थोड़ा सा वो इसलिए हो रही है क्योंकि रिवाइज़ नहीं करते हैं ठीक है ना वो फार्मूला आपको लगा रहा है इसमें है क्या दिस दिस uh, कुछ भी नहीं है इसमें लेकिन जब उसी चीज को हम यूज करने चलते हैं अप्लाई करने चलते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी जो है प्रॉब्लम क्या है ठीक आइए चलते हैं हम लोग आगे अ अवे ऑन अच्छा ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कम से कम दो या तीन सिर्फ आपका टाइम किल करने के लिए अब इनका भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कैसे इनको करना है और इतने लंबा क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग परेशान नहीं होंगे मुस्कराओगे कि ओहो परेशान कर रहे हैं लो मैं इसका आंसर कर दे रहा हूँ थीफ इज रनिंग अवे ऑन स्ट्रेट रोड इन अ जीप मूविंग विद स्पीड नाइन मीटर पर सेकेंड जीप में चोर जा रहा है नौ मीटर पर सेकेंड से है ना पुलिसमैन चेजिंग की में ऑन मोटरसाइकिल एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड सबसे पहला काम रिलेटिव वेलोसिटी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई है तो क्या आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी चाहिए बिल्कुल निकालनी चाहिए तो v रिलेटिव बच्चों मेरा कितना हो जाएगा v रिलेटिव का मतलब है भाई v ऑफ पुलिस माइनस v ऑफ चोर अरे इसको थीफ लिखते हैं यार अंग्रेजी में चोर अच्छा नहीं लग रहा है ना थीफ ठीक है तो ये हो गया भाई दस माइनस नौ कितना आया जी वन मीटर पर सेकंड मतलब ये है कि ये पुलिस वाला पकड़ तो लेगा जीप को क्योंकि इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं वो मीटर पर सेकंड है ठीक चलिए क्या कह रहा है इंस्टेंटेनियस सेपरेशन सौ मीटर का है बचा क्या अब क्या बचा आप सोचो नॉर्मली अगर बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वो छोड़ देंगे कि अरे इतना बड़ा सा क्वेश्चन है इसमें क्या करना लेकिन आप रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म समझ चुके हो अब आपके लिए क्या करना है तो वही अपना सिंपल फार्मूला लगा देंगे टाइम इज इक्वल टू ये वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 100 मीटर और टाइम वेलोसिटी uh, कितनी 1 मीटर सीधा सीधा आंसर आ गया वन सेकेंड मैं एक चीज आपको और सजेस्ट करूंगा कभी भी क्वेश्चन बड़ा अगर गिवन हो आप लोग प्लीज उसको ये देख के मत डर जाइए कि अरे बड़ा सा क्वेश्चन गिवेन है चलो भागते हैं यहाँ से नहीं पढ़िए उसको हो सकता है वो क्वेश्चन सिर्फ आपको डराने के लिए इस तरीके से दिया गया हो ऑन टू द क्वेश्चन स्टोन इज dropped फ्रॉम द बालकनी 20 मीटर बिलो द टॉप चलिए भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक मान लीजिए बहुत हाई राइज बिल्डिंग है ठीक उस हाई राइड हाई राइज बिल्डिंग के टॉप टावर से जिसकी हाइट एच है ग्राउंड से एक स्टोन ड्रॉप कर दिया गया तो वो एक सेकेंड में कुछ दूरी चलेगा ठीक है फ्टर वन सेकेंड स्टोन इज स्टोन बीस मीटर बिलो बोथ रीच द बॉटम साइमल्टेनियसली लेकिन दोनों ग्राउंड पे एक साथ आ रहे हैं वॉट इज द वैल्यू ऑफ एच कितनी हाइट से गिराया गया था टावर कितनी हाइट का था ठीक चलिए टेक जी इज इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों वर्ड्स पे जरूर ध्यान दीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉप्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो सो इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो हम लोग यहां पे अपना ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच ठीक अब इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यूज रखता हूं तो आप देखो दूसरा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं एच माइनस सॉरी एच माइनस ट्वेंटी क्योंकि किया मैंने एच माइनस ट्वेंटी क्योंकि बीस मीटर उससे नीचे है तो एच माइनस ट्वेंटी ये भी ड्रॉप किया गया है ना तो ये हो गया हाफ जी टाइम कितना हो गया भाई टी माइनस वन का होल स्क्वायर फिर वही काम मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है ठीक है एंड आफ्टर सॉल्विंग आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस ठीक है जी की वैल्यू उन्होंने दे दी है टेन मीटर पर सेकेंड अब जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा इसका दैट इज़ थर्टी वन पॉइंट टू फाइव मीटर आफ्टर सॉल्विंग एच इज इक्वल टू थर्टी वन पॉइंट टू फाइव मीटर एक्चुअली कैलकुलेशन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना मैं आपको अप्रोच समझा दे रहा हूँ अब टू टू ज़ा फोर थ्री थ्री जा नाइन पुटिंग द वैल्यू सॉल्विंग वो मीनिंगलेस है आप लोग काफ़ी मेच्योर हो आप लोगों को काफ़ी आइडियाज हैं ठीक है ना <laughs> और कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो तो इन सारे क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ पर एम्फरसाइज किया है कि मैं आपको ये मैसेज क्लियरली दे सकूं कि आपको अपना फोकस कहाँ पे रखना चाहिए ठीक होप मुझे कुछ हद तक सक्सेस मिलेगी कि इन बेसिक रिजल्ट्स को बच्चों आपको पॉलिश करना है एट ट्रेन हंड्रेड मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग एट फोर्टी मीटर पर सेकेंड स्टार्ट ओवरटेकिंग अनदर ट्रेन ट्वेंटी मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग एट थर्टी मीटर पर सेकेंड टाइम टेकन बाई द फर्स्ट ट्रेन टू पास द सेकेंड ट्रेन कंप्लीटली क्या यह क्वेश्चन वो चोर पुलिस वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता नहीं है, है। आइए दूसरा चीज इसमें देखते हैं हंड्रेड मीटर लॉन्ग और ये कितनी टू हंड्रेड मीटर लॉन्ग तो जो ओवरटेक कर रही है ना वो बेसिकली कितनी डिस्टेंस चल देगी वो डिस्टेंस चलेगी अपनी लेंथ के बराबर प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ के बराबर नंबर ए नंबर दो अगर आप देखो तो फिर से मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो यहां अगर मैं लिख दू कि वी रिलेटिव मैं हट जाऊंगा डोंट वरी तो देखिए चालीस और दस एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना ओवरटेक करना है तो चालीस माइनस तीस तो कितना आया भाई दस मीटर पर सेकेंड अच्छा जी टोटल डिस्टेंस कितनी चलनी है ओहो हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड ठीक तो एस कितना है भाई थ्री हंड्रेड मीटर तो कितना टाइम लगेगा आप कुछ बचता है कहने को इसमें खत्म बात ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग चौक, चौक में ले लेता हूं ठीक है ना फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को ही थ्रोज द सेकेंड बॉल द फर्स्ट बॉल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट देखिएगा ध्यान से मेरे पास एक ये चौक है एक ये चौक है मैं इसको थ्रो कर रहा हूं ऊपर यह यहां तक आई रुकी और गिर गई दूसरी चौक में तब थ्रो कर रहा हूं जब ये टॉप पे आकर रुकती है उस टाइम पे मैं दूसरी वाली चौक को थ्रो कर रहा हूं ऐसा क्वेश्चन है ही थ्रोज द सेकेंड बॉल वन द फर्स्ट बॉल इज एट द हाइस्ट पॉइंट इफ इज थ्रोइंग द बॉल्स एवरी सेकेंड हाउ हाई डू दे राइज मतलब ये है सीधी सी बात कि मुझे ये निकालना है कि कितनी हाइट तक ये गई ठीक वन जैसे ही टॉप पे गई मैंने दूसरी उछाल दी लाइक like दैट ठीक चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ टाइम ऑफ भाई ऊपर जाने को क्या बोलेंगे एसेंट ना एसेंट इज इक्वल टू वन सेकेंड गिवेन है ठीक है टाइम ऑफ एसेंट इज वन सेकेंड दूसरी कब थ्रो कर रहे हैं तो हर सेकेंड पे फेंक रहे हैं तो कितना हाई वो दोनों बॉल्स जाएंगी और यू फिर कितना है आप निकाल लीजिए तो U निकलेगा मेरा टेन मीटर पर सेकेंड जानते हैं कैसे निकला अरे भाई g बराबर टेन है ना टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी और v जीरो करेंगे तो u हमारा सीधा सीधा निकल गया दस इंटू एक डायरेक्शन में खत्म ठीक है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया तो मैक्स हाइट कितनी आई भाई मैक्स हाइट आएगी बच्चों u square upon 2g that will give me 10 into 10 upon 2 into 10 fine so it is going to be cancelled to get straight forward we are getting a result as 5 meters fine so a is the correct answer <coughs> now let us move on to next question that is क्वेश्चन नंबर टेन स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स विद द स्पीड यू अटेंस मैक्सिमम हाइट एच कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पिछले वाले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है अनदर स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द सेम पॉइंट विद स्पीड टू यू ध्यान दीजिएगा जस्ट डबल फाइन अटेंस मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच ओके वॉट इज़ द रिलेशन बिटवीन एच एंड एच अब इस क्वेश्चन को आई एम श्योर अगर मैं दस बच्चों को दूंगा तो आठ बच्चे छोड़ देंगे वो बोलेंगे कि हमें एक्चुअली कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसमें करना क्या है अच्छा अब मैं बताता हूँ आपको एक सिंपल लाइन एक लाइन मैं लिखूँगा यहाँ पे बस और वो लाइन होगी इसके सल्यूशन के लिए मैक्सीम क्या और ये कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा है मैक्सीम हाइट इसीलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन जो होते हैं ना वो सिर्फ कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे बेस हैं मैक्सिमम हाइट अचीव ए सी एच ई आई वी ईडी मैक्सिमम हाइट अचीव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर तो अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो हमें यह चीज साफ समझ में आ रही है कि मैक्सिमम हाइट h और u स्क्वायर मैक्सिमम हाइट कैपिटल h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर तो यहां पे देखिए तो मैं कहता हूं h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर दूसरी बार में मैं बोलूंगा h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4u स्क्वायर ठीक सो हियर इफ वी वुड लाइक टू एनालाइज तो देखिए x सिंपल सोल्यूशन मुझे दिख रहा है बिना किसी उसके फोर एच इज इक्वल टू एच विदाउट एनी डिफिकल्टी एक्चुअल प्रॉब्लम इज हम लोग इस क्वेश्चन को ना कई सारे फॉर्मूले डालना शुरू कर देते हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड सिंपली क्या रिक्वायर्ड है सिंपली रिक्वायर्ड इज हम उस कॉन्सेप्ट को सोचें और क्या ये लाइनें हम लोगों ने नहीं पढ़ी हैं क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने वीडियोस में आपको नहीं समझाया है अगर आपने रिवाइज किया हो तो आपको बहुत आसानी से यह चीज ध्यान अब देखिए खुद देखिए आपके सामने एक लाइन में आंसर दिख रहा है तो इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ठीक अब इस वीडियो को अगर मैं कहूं तो आई थिंक मैंने डिवोट किया इस पर थर्टी मिनट्स थर्टी मिनट्स में मान लीजिए मैं हटा देता हूं छह सात मिनट जहां मैंने ज्ञान बांटा आपको तो भी पच्चीस मिनट लगाए हैं मैंने विच इज नॉट करेक्ट अप्रोच मैं फिर कह रहा हूं क्यों मुझे समझाना है तो मुझे टाइम देना पड़ेगा आपको कि भाई दस क्वेश्चन में अगर मैं पच्चीस मिनट लगा रहा हूं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ठीक है तो अब प्लीज आप लोग मैं तो ऐसे ही टाइम लगाऊंगा मैं हो सकता है दस क्वेश्चन में आपको पैंतालीस मिनट भी समझाऊं एक घंटे भी समझाऊं क्योंकि मुझे वो आपको नॉलेज कन्वे करना है बट ये आपको डिसाइड करना है कि हाउ फास्ट यू आर गोइंग टू मूव फाइन मुझे तो वीडियो सभी बच्चों को ध्यान में रख के बनानी है तो भाई अब इसको यहां पर रोकते हैं विद दिस होप कि मैंने जो आपको शुरू में बताया क्वेश्चंस अप्रोच वो आप प्लीज फॉलो करेंगे एंड देन इन कमिंग वीडियोस यू विल कम अप विद मोर इंथूजियाज फाइन सो विद दिस पॉजिटिव होप आई एम गोइंग टू से टू ऑल ऑफ यू थैंक्स अलॉड फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ